शॉर्ट सर्विक्स या थैली का मुंह छोटा हो जाना, बच्चेदानी का मुंह छोटा हो जाना, जब ये परिस्थिति हमें बताई जाती है हमारे डॉक्टर से, तब हमारे दिमाग में बहुत प्रश्न आते हैं, ये है क्या, ये क्यों है, इसका कोई इलाज है या नहीं, और यदि है तो कहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा। इन प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ, लेनेस्ट मलाड, मुंबई से। थैली का मुंह छोटा होना या जिसे हमारी भाषा में कहते हैं इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, शॉर्ट सर्विक्स, ये एक परिस्थिति जब हमें कही जाती है तो हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये है क्या, ऐसा क्यों होता है, इसे हम कैसे डायग्नोस करें, और इसका ऑपरेशन है तो क्या है और कैसे है और क्या किया जाएगा, और लास्ट बिना ऑपरेशन के इसे कैसे मैनेज किया जाए। ये पांच चीज़ें हम समझेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं ये है क्या। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस या शॉर्ट सर्विक्स, ये एक ऐसी परिस्थिति है जब थैली का जो मुंह होता है वो धीरे 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 खुलने लगता है। अब बच्चादानी एक फुग्गे की तरह है, और जैसे ही अगर वो चीज़ भरने लगती है तो वो जो प्रेशर है उसके मुख पर आता है। अगर ये मुख खुल गया तो टाइम के पहले डिलीवरी या अबॉर्शन हो जाता है। और ये जो सर्विक्स है, अदरवाइज ये होल्ड करके उसके अंदर एक म्यूकस प्लग रहता है, जिसके अंदर एक प्रकार का प्रकृति ने एक बैरियर क्रिएट किया है जिससे कि बच्चे के अंदर तक इन्फेक्शन ना पहुंचे और समय के पहले डिलीवरी ना हो। जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है, तो ये मुख खुलने लगता है और डिलीवरी हो जाती है। अब अगर इस समय से पहले हो जाता है तो ऑब्वियसली बहुत ही गड़बड़ हो जाती है बात। और क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, समय के पहले हो गया तो अगर बहुत ही जल्दी हो गया, अगर 20 हफ्ते के पहले, तो हम इसे अबॉर्शन कहते हैं, और अगर 20 से 28 हफ्ते के बीच में या 20 से 24 हफ्ते 26 हफ्ते के बीच में होता है तो बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। और अगर उसके बाद भी होता है, अगर 8वें महीने में या 9वें महीने में समय से पहले डिलीवरी, तो बच्चा कम वजन का या प्री टर्म लेबर जिसे हम कहते हैं, प्री मेच्योर बेबी कहते हैं, ये सारी अवस्था जो हम कहते हैं वो चीज़ होती है, और बच्चे को कई बार कांच की पेटी में रखना पड़ता है। तो मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जितना हो सके हम बच्चे को पूरे 9 महीने तक कंप्लीट डेवलपमेंट का मौका दें। अब हम समझते हैं दूसरी बात कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये दो कारणों से हो सकता है। हो सकता है कि कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चादानी में दिक्कत है, या कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसी कोई तकलीफ जिसकी वजह से इसमें तकलीफ आ गई है, जैसे कि पहले बार बार अबॉर्शन होना, या पहले की डिलीवरी के समय थैली के मुख पर इंजरी हो जाना, सर्वाइकल टेयर हो जाना, या हो सकता है कि कभी कभी थैली के मुख पर कोई गांठ थी जिसका ऑपरेशन किया गया है जिसकी वजह से थैली कमज़ोर हो गई है। लेकिन ये कंजेनिटल भी हो सकता है, प्राइमरीली भी हो सकता है, जैसे कि किसी पेशेंट की थैली का जो शेप है वो अलग है, अबनॉर्मल है, कंजेनिटल एनोमलस यूट्रस है, या कभी कभी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जैसे अर्लर डेनलॉस सिंड्रोम कहते हैं, या इस तरह की कोई बीमारी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि सर्विक्स इनहेरेंटली ही शॉर्ट है और उनको बच्चादानी में दिक्कत है। अब ये सारे कारण तो कुछ भी हो, लेकिन आउटकम तो वही है कि बच्चा समय के पहले डिलीवर हो जाता है। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे को हमें समझ में आनी चाहिए कि इसे डायग्नोस कैसे किया जाए, हमें पता कैसे चले कि हमें यह प्रॉब्लम है। हमें पता कैसे चले, ये पता लगाने के दो रास्ते हैं। जो पहले ज़माने में डॉक्टर लोग एग्जामिन करते थे, हम पीवी एग्जामिन करते हैं और चेक करते हैं कि थैली का मुंह कितना है, लंबा है या छोटा है, उससे हमें जजमेंट आ जाता है। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और अव्वल नंबर का इन्वेस्टिगेशन है वो है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी किया जाता है ये दोनों तरीके से, पेट के ऊपर से भी किया जाता है, इंटरनली भी किया जा सकता है। बेहतर है कि इंटरनली चेक करें कि थैली का मुंह छोटा हुआ या नहीं। जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हम कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि उस वक्त पेशाब की थैली भरी हुई है या खाली है, यानी यूरिन आपने पास किया हुआ है या नहीं, उसके हिसाब से हमें व्यू बेटर मिलता है। सो आपके डॉक्टर अगर पर एब्डोमेन कर रहे हैं तो कहेंगे कि थोड़ी सी थैली भरी हुई होनी चाहिए, तब दिखेगा। लेकिन अगर आप ट्रांसवजाइनल कर रहे हैं तो पेशाब की थैली खाली करवाएंगे, ई पेशाब करवाएंगे और उसके बाद करेंगे। हम देखते हैं कि इंटरनल ऑस यानी कि जो सर्विक्स है उसके अंदर का भाग, और एक्सटर्नल ऑस यानी सर्विक्स के बाहर का भाग, अगर ये पूरी बच्चादानी है तो उसको हम चेक करके देखते हैं कि वो लेंथ कितना है। अगर ये लेंथ जो है, अगर समझो 2.5 सेंटीमीटर से कम हो गया है, एक रफ एस्टिमेट बताते हैं, कई बार ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, तो अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम हो गया है तब हम विचलित हैं, तब हमें सोचना है। दूसरी चीज़ कि अगर ये जो थैली का मुंह में फनलिंग हो रहा है, मतलब जो अंदर का भाग है वो धीरे धीरे खुलना चालू हो रहा है, जिसे हम कहते हैं फनलिंग, तब भी ये दिक्कत वाली बात है और हमें एक्शन लेना पड़ता है।
सो हमें कैसे पता चलेगा कि अगर हमारा सर्विस छोटा हो रहा है कि नहीं? अगर वो सीरियल सोनोग्राफी में, जब सोनोग्राफिस्ट सोनोग्राफी करते हैं, पहले लंबा था, पहले 4 सेंटीमीटर था, अब 3 सेंटीमीटर हो गया है, अब 2.5 सेंटीमीटर हो गया, दैट इज़ अ साइन जब हमें ध्यान देना पड़ता है. थोड़ा बहुत तो कम होता है, लेकिन अगर वो 2.5 के नीचे चला जाता है तो हमें विचलित हो जाते हैं. दूसरा, अगर आपकी पहले की हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपको बार बार अबॉर्शन होता है या टाइम के पहले डिलीवरी हो जाती है, तब भी डॉक्टर इस बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं. हम सोनोग्राफी करते हैं तो उसमें एक प्रकार का साइन दिखता है हमें, जैसे अगर ये कम्प्लीटली ऐसा बना हुआ है तो ये टी साइन, अगर ये थोड़ा सा खुल गया तो इसे वाई कहते हैं, अगर ये और खुल गया तो ये वी होता है, और अगर पूरा खुल गया तो पूरा यू शेप हो जाता है, खुल जाता है सर्विक्स. तो ये सारी साइंस हम कोशिश करते हैं देखने में सोनोग्राफी में, यदि हमें दिखती है तो. कब किया जाता है सोनोग्राफी? आमतौर पर जब आपका 3rd महीने का सोनोग्राफी होता है तब ये न्यूकल स्कैन के समय देख लिया जाता है. जब अगर हमें डाउट लगता है पहले की हिस्ट्री है तो करीब अप्रॉक्सीमेटली 14-16 वीक्स के आसपास सोनोग्राफी करके हम चेक करके देख लेते हैं कि थैली का मुंह 16 वीक्स पे छोटा तो नहीं हो गया है. या एनोमली स्कैन जब 20 हफ्ते पे किया जाता है तब भी चेक किया जाता है कि सर्विक्स कहीं छोटा हुआ है कि नहीं हुआ है. अगर पहले से ही पता है कि ये चीज़ है तो और ज़्यादा ध्यान रख के उसको प्रोएक्टिवली 16 वीक्स पे सोनोग्राफी करके हम रिव्यू करके देख लेते हैं कि थैली का मुंह छोटा है या नहीं. अब हम आगे चलते हैं. हमने समझ लिया कि ये क्या है, हमने समझ लिया कि ये क्यों होता है, हमने समझ लिया कि इसे डायग्नोसिस कैसे करना है. भाई इलाज तो करना पड़ेगा, तो इलाज करने के लिए पहले सर्जरी के क्या ऑप्शंस हैं, क्या हमें टांका मारना है या नहीं, इसके बारे में समझते हैं. ये जो टांका मारने की टेक्निक है, वर्ल्ड ओवर सर्वाइकल स्टिच जिसे हम कहते हैं, एनसरक्लाज जिसे हम कहते हैं, मैकडोनल्ड टेक्निक या शिरोडकर्स टेक्निक, कई प्रकार के नाम दिए गए हैं उन डॉक्टरों के नाम पर जिन्होंने ये टेक्निक्स पहले बताए थे. लेकिन सबसे ज़रूरी बात हमें जो समझनी है इस पूरे इसमें है कि नंबर एक, ये कब स्टिच लगाया जा सकता है, नंबर दो, ये स्टिच लगाने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, और नंबर तीन, ये स्टिच को निकाला कैसे जाता है और कब जाता है. हम ये समझते हैं. सो ये जो स्टिच है, अगर हमें पहले से ही पता है कि पेशेंट को तकलीफ़ है और डायग्नोसिस हमें पहले से ही पता है, तो हम 3 महीने का स्कैन करते हैं, बच्चे में कोई डिफेक्ट या प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेजर इशू तो नहीं है, और उसके बाद में हम वो स्टिच लगा देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज सर्वाइकल एनसरक्लाज, विच इज़ प्रोफाइलैक्टिक. अगर हमें मालूम है कि सपोज पहली प्रेगनेंसी और अब जब सर्विक्स छोटा हो रहा है, या हमें मालूम है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है तो अभी जरूरत नहीं है, तो हम वेट करते हैं. अगर तकलीफ हुई, यानी कि सर्विक्स शॉर्ट हुआ या फनलिंग हुई, तब हम स्टिच लगाते हैं. ये आमतौर पर 16-20 वीक्स पे लगाया जा सकता है, या नॉर्मली स्कैन पे करने के बाद 20-24 वीक्स पे भी लगाया जा सकता है. यदि ये एकदम इमरजेंसी सिचुएशन में लगाते हैं कि नहीं ये तो थैली का मुंह एकदम ही खोल रहा है, चलो मरते क्या ना करते, एक बस स्टिच लगा के देखते हैं बच जाता है, तो इसे कहते हैं इमरजेंसी एनसरक्लाज. कभी कभी ये प्रेगनेंसी के पहले किया जाता है कि सपोज किसी को बार बार, दो बार, तीन बार अबॉर्शन हो चुका है और हमें पता है कि हर बार यही कारण से हो रहा है और थैली का मुंह इतना छोटा है कि जगह ही नहीं है नीचे से टांका मारने की, तो उसको पेट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल एनसरक्लाज, हम वो कर सकते हैं. अभी एब्डोमिनल एनसरक्लाज करने के भी 2 तरीके हैं. एक है कि हम ओपन करके टांके मार के कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम दूरबीन से लैप्रोस्कोपी करके हम करते हैं, जिसमें हम वो स्टिच लगा देते हैं. सो इसे कहते हैं एब्डोमिनल एनसरक्लाज. अब ये हो गया टांका मारने का तरीका, लेकिन ये टांका निकाला कब जाता है? हमें ये डिलीवरी के पहले निकाल देना है. एब्डोमिनल एनसरक्लाज तो निकालना मुश्किल है, लेकिन जो वजाइनल, जो हम नॉर्मली जो कॉमनली लिया जाता है स्टिच, जो नीचे से लिया जाता है, वो स्टिच 37th वीक में जब बच्चा कंप्लीट हो गया है, टर्म के पास पहुंच गया है, तब वो स्टिच निकाल दिया जाता है. या फिर आपको समय के पहले दर्द आ गया, दर्द चालू हो गया, या ब्लीडिंग हो गई, या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो वो स्टिच को तुरंत निकाल दिया जाता है. आप पूछोगे डॉक्टर साहब निकालना क्यों है? निकालना इसलिए है कि यदि आप नहीं भी निकालें और अगर दर्द चालू हो गया तो बच्चा वो थैली फाड़ के बाहर निकल सकता है और टेयर करके आ सकता है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति होती है. इसलिए वो स्टिच को डिलीवरी के पहले निकाल देना जरूरी है, बिकॉज बच्चे ने तो बाहर से ही बाहर आना है, और अगर थैली का मुँह बंद होगा तो कैसे निकलेगा, और अगर बंद होगा तो थैली का मुँह एकदम पतला होकर टेयर ऑफ हो जाएगा और बाहर निकलेगा, जो डेंजरस सिचुएशन होती है. सो ये हो गया आपका सर्जिकल इंटरवेंशन. अब हम आखिरी 5वां टिप जो हम दे रहे हैं, वो 5वां टिप ये है कि मेडिकली कैसे मैनेज किया जाए. सो सबसे पहले तो डिसीजन कि ऑपरेशन करना है या नहीं करना है, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे. ये डिपेंड करता है कि सिंगल प्रेगनेंसी है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है, पहली प्रेगनेंसी है कि आपको पहले कई बार आपको प्रेगनेंसी रह चुकी है, पिछली प्रेगनेंसी में आपको अबॉर्शन यदि हुआ है, या बार बार आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है और इस बार उसके हिसाब से हम प्लान कर रहे हैं कि अगर आपका पहले अबॉर्शन हुआ है, डिलीवरी हुई, तो हमें लेना पड़ेगा. तो ये सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं प्रेगनेंट स्टेट के अंदर भी, और प्रेगनेंसी स्टेट के पहले भी जो फाइंडिंग्स होती है चेकिंग के अंदर, वो सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए क्या बेहतर है, स्टिच लेना या नहीं लेना, मेडिकल मैनेजमेंट करना या नहीं करना. मेडिसिन क्या दी जाती है? प्रोजेस्ट्रॉन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेनस्टे है इस ट्रीटमेंट का, जो कि आप इंजेक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं. हर हफ्ते की हफ्ते आपको इंजेक्शन लगते जाएंगे डिलीवरी होने तक या 37 वीक्स तक.
या फिर आपको वजाइनली गोली दी जाएगी जो अंदर रखी जाएगी और वो मेल्ट हो जाएगी, पेसरी या जेल या इस प्रकार से, जो कि इफेक्टिव होती है, बहुत पॉपुलरली वो यूज़ होती है। कई बार ओरल टैबलेट्स भी दी जाती हैं जो इफेक्टिव हो सकती हैं आपको मदद करने पर, कहा जाता है कि इंजेक्शन और जो वजाइनल पेसरी है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू ओरल। देर वे वजाइनल सर्वाइकल कैप्स विच वेर यूज, थैली के मुंह पे कैप जैसी कोई चीज़ लगा दिया जाए, लेकिन उसका स्टडीज़ प्रूफ ज़्यादा उसके फेवर में नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है। इसके अलावा कई और मेडिसिन दी जाती हैं जो कि आपको मदद करते कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में नहीं हो। अगेन वो भी सारी डिबेटेबल है कि उनका रोल कितना हद तक साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन सपोर्ट करता है या नहीं, उसके हिसाब से आपके डॉक्टर डिसाइड करके आपको देंगे ज़रूरत पड़ने के हिसाब से। कई बार आपका जैसे ही मेचोरिटी हो जाता है, 20-30 वीक्स क्रॉस हो जाता है, तो डॉक्टर आपके बेबी के लंग मेचोरिटी के लिए आपको इंजेक्शन दे सकते हैं। वो आपको मेचोरिटी के लिए लेना पड़ सकता है, जिससे कि आपके बेबी को अगर समय के पहले डिलीवरी की संभावना है और समय के पहले डिलीवरी होने वाली है, तो माइट एज वेल वो चीज़ दे दी जाए, जिससे कि अगर ऐसा हो तो बच्चे की लंग मेचोरिटी के लिए मदद मिले। सो ये सारी चीज़ें होती हैं मेडिकल लाइन ऑफ मैनेजमेंट में। यदि आपकी डिलीवरी सपोज 34 वीक्स के पहले हो रही है और जल्दी हो रही है, तो आपको डिलीवरी के जस्ट पहले आपके बेबी के लिए एक ड्रिप दिया जाता है, हम मैग्नीशियम सल्फेट का ड्रिप कहते हैं, जो बेबी को न्यूरो प्रोटेक्शन देता है, जिससे कि बच्चे के मस्तिष्क को बेटर सेफ्टी मिले डिलीवरी होने के बाद। ये सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। तो ये मेडिसिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जो आपके डॉक्टर आपसे डिस्कस करके आपको गाइड करेंगे और बताएंगे आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये सारा जो उद्देश्य है इस सारे ट्रीटमेंट और ये प्रोसेस का, वो एकमात्र एक चीज़ ही है, वो ये है कि किस प्रकार से बच्चे को पूरा समय प्रेगनेंसी के लिए माँ के गर्भ में मिले और जितना हो सके उतना बच्चा मैच्योर होकर बाहर निकले। दिस इज़ द मैसेज दैट आई वॉन्ट टू गिव। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और यदि ऐसी कोई परिस्थिति है, दवाई जो भी लें, ऑपरेशन करें या ना करें, लेकिन एक बात तो बनती है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, इन्फेक्शन का रिस्क से बचें और अप्रोप्रिएट आराम लें। थैंक यू वेरी मच।